आइए आज हम गर्ल विदे बास्केट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द विलेज वी पास से लेकर ड्राइव बॉल्स तक, यहाँ तक है जो कि इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इस वर्ष 2021 में आने की इसकी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रेफरेंस जो है, पीछे भी हम बता चुके हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा। जिनको नहीं आता है, पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो यहाँ देख लें कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ये तो ऐसे लिख सकते हो आप, या दीज लाइन्स हैज बीन, दीज लाइन्स लिखोगे तो हैव बीन लिखना पड़ेगा क्योंकि लाइन्स रहेगा तो हैव बीन रहेगा। अगर दिस पैसेज लिखोगे तो हैज बीन रहेगा, दोनों सही है। उसके बाद टेकन फ्रॉम द लेसन करके लेसन का नाम लिख दो, ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय करके लेखक का नाम लिख दो, विलियम से डगलस। इतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन और आप थोड़ा उच्च स्तर से लिखना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो लेखक को, तो आप कह दो डगलस के बाद कामा करके ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या सिंपली आप कह सकते ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, ऐसे भी चल जाएगा। क्लियर, ये आपका रेफरेंस है। उसके बाद कॉन्टेस्ट आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए कॉन्टेस्ट हेडिंग डालिए और नोट कर लीजिए आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए। तो CONTEXT कॉन्टेस्ट लिखिए, कॉन्टेस्ट द राइटर वाज ट्रैवलिंग, लेखक यात्रा कर रहा था, हिंदी भी हम साथ के साथ बताते चल रहे हैं। तो द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, एक ट्रेन, लेखक एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन टू बरेली, टी ओ रहेगा टू में, टू बरेली, बरेली की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा किताब में है, ठीक है, बी ए, किताब की पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा बी ए आर ई आई डबल एल वाई, चलिए बोल दे रहे हैं बी ए आर ई आई डबल एल वाई। तो द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन टू बरेली, लेखक बरेली के लिए ट्रेन में क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तो बरेली जा रहा था ना। तो ऑन द वे माने रास्ते में, ही सा मेनी थिंग्स, वह कई चीज़ों को देखा, ऑन द वे, ऑन द वे, उसके बाद आप कामा कर दीजिए, फिर लिखिए ही सा मेनी थिंग्स फ्रॉम द रेलवे कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे से, ऑन द वे ही सा मेनी थिंग्स फ्रॉम द रेलवे कंपार्टमेंट, रास्ते में वह रेलगाड़ी के डिब्बे से कई चीज़ों को देखा। अब जो जो चीज़ें देखा है लेखक उसको आप किस में बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। अब एक्सप्लेनेशन आप हेडलॉग हेडिंग डालिए, कॉन्टेस्ट की एक बार हिंदी, हम हिंदी फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि हिंदी जान लेंगे तो आप बनाकर भी लिख सकते हो और याद करने में सुविधा होगी। द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन टू बरेली, लेखक बरेली के लिए एक ट्रेन से जा रहा था, ठीक, इन ए ट्रेन टू बरेली मतलब बरेली के लिए एक ट्रेन में जा रहा था। एंड द वे ही सॉ मेनी थिंग्स फ्रॉम द रेलवे कंपार्टमेंट, रास्ते में वह रेलगाड़ी के डिब्बे से कई चीज़ों को देखा। अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा था वो लेखक, वही इसमें वर्णन है। तो आप एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेनेशन में आप शुरुआत में लिखेंगे द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, इतना कर लिख लेंगे। उसके बाद अब चलिए देख लेते हैं लाइन का अर्थ क्या है, एक बार अर्थ हम पढ़ा चुके हैं फिर से बता दे रहे हैं, जितना एक्सप्लेनेशन करना है तुरंत उसका सिनोनिम सहित एक्सप्लेन भी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किताब, चलिए देख लिए इसके पहले अर्थ, द विलेज, यहीं से देखना आपको एक्सप्लेनेशन ड्राइव वॉल्स तक। तो द विलेज वी पास्ड, पहले अर्थ देख लीजिए एक बार फिर से, उसके बाद तुरंत एक्सप्लेन बता देना। तो गांव, वी पास्ड, जहां से हम गुजरे, वह गांव जहां से हम गुजरे हैड वॉल्स, उसमें दीवारें थी मेड ऑफ मड, मड मतलब था कीचड़ या मिट्टी, तो वो मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, मिक्स मतलब मिलाकर, विथ वाटर माने पानी, काउडंग माने तो गाय का गोबर, पानी और गाय के गोबर से मिलाकर मिट्टी से बनी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि मेड ऑफ मड, वो मिट्टी से बनी थी, मड मतलब यहाँ मिट्टी से है, कीचड़ वैसे होता है इसका मतलब सनी हुई मिट्टी, मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, मिक्स मतलब मिलाया गया था, वाटर माने पानी, काउडंग माने गाय का गोबर। तो कहने का मतलब ये है पानी और गाय के गोबर से उस पर लेप किया गया था, मिट्टी की दीवार बनी थी, पानी और गाय के गोबर से उस दीवार को क्या किया गया था, लेप किया गया था, पुताई किया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स, उनके ऊपर की छतें, पीक मतलब होता है ऊपर की, रूफ्स माने छतें, वर थैज, थैज माने छप्पर, उनके ऊपर की छतों पर क्या था, छप्पर था जिसको कहते हैं सेट्स, बंडल ऑफ ग्रास, बंडल ऑफ ग्रास माने होता है बहुत सी घासें, बंडल मतलब गट्ठर, घासों का गट्ठर नहीं, बहुत सी घासें, टाइड माने बधी हुई थी, टू बम्बू पोल्स माने बांस की बल्ली,
बांस की बल्ली से क्या थी, घासें बंधी हुई थी स्ट्रेच्ड जो फैली हुई थी अक्रॉस द राफ्टर्स माने कड़ियों पर, राफ्टर्स माने कड़ी, ठीक है, कड़ियाँ बीम्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, जो कड़ियों पर जो है फैली हुई थी। दैट डे उस दिन पैम्पकिन वाइंस माने होता है कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम जो उन पर बढ़ गई थी, उन दिनों कद्दू की बेलें जो उस पर बढ़ गई थी, वर इन ब्लूम उनमें ब्लूम माने खिलना मतलब फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिप्स, ट्रेलिंग माने होता है लटकती हुई, हैंगिंग स्टिक्स माने होता है धारियाँ या पंक्तियाँ होती हैं लाइन से, तो उसमें लटकती हुई पंक्तियाँ थी मतलब क्या, फूल खिले थे और फूल जो है पंक्तियों में लटके हुए थे मतलब पूरा लाइन से लटके हुए थे। ऑफ येलो कैसे कलर के थे, पीले कलर के थे। ओवर ड्रैब वॉल्स उस भरे भद्दे भूरे रंग की दीवार पर थे फूल, ठीक है, ड्रैब मतलब होता भद्दा भूरा रंग, ठीक है, रफ ब्राउन कलर उसको ड्रैब कहते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं। तो आप शुरुआत में कह देंगे द राइटर से दैट लेखक कहता कि द विलेज, ठीक है, द विलेज मतलब गांव, ठीक है, वी पास्ड हम गुजरे, तो द विलेजेस वी पास्ड की जगह लिख देंगे थ्रू विच विलेज द राइटर वाज गोइंग, क्लियर, जिस गांव से लेखक जा रहा था, क्लियर, गुजरा मतलब जिस गांव से वह जा रहा था। थ्रू विच विलेज, दिस आर ओ यू जी एस, थ्रू विच विलेज द राइटर वाज गोइंग, या थ्रू विच विलेजेस भी कह सकते हो, ठीक है, थ्रू विच विलेजेज द राइटर वाज गोइंग। हाइड वॉल्स, अब भी काम करके आप बता देंगे आपके हाइड वॉल्स, तो बता दो आप भी हाइड वॉल्स उसमें क्या थे, गांव में दीवारें थी, क्लियर। अब उसके बाद आप बता दो कि मिड ऑफ मड, मिड ऑफ मड जितनी बातें लिखे बताओ उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाइए, अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओगे तो वही आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा माना जाता है। सिनोनिम्स का प्रयोग करो, इनडायरेक्ट का प्रयोग करो, जिसका सिनोनिम्स बाय चांस नहीं आ रहा तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिड जितनी बातें बताया उसको आप सिंथेसिस से होता है वाक्य को जोड़ना है, एनालिसिस मतलब वाक्य अलग करना, तो इसमें बातें अलग करके अपने हिसाब से वाक्य बना के लिखो। तो अब वाज तक बता दी कि मेड ऑफ मड कीचड़ से बनी थी, यानी मिट्टी से बनी थी, कौन बनी थी, दीवार। तो आप वाल्स लिख दो उसके लिए प्रोनाउन, नया सेंटेंस बना दो कि दे वर मिड ऑफ मड, मड मतलब लिख दो सॉइल, यस ओ आई एल, सॉइल माने होता मिट्टी, मृदा, क्लियर, दे वर मिड ऑफ सॉइल, वह मिट्टी की बनी थी। अब मिस्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, क्लियर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ कि मतलब पानी और गाय के गोबर से लेप की गई थी, ठीक है। तो बता दो कि दे हैड, ठीक है, दे हैड वाटर एंड काउ डंग, क्लियर, दे हैड वाटर एंड काउ डंग ओवर द वॉल्स, क्लियर। अब इसके बाद जो है दे हैड वाटर एंड काउ डंग ओवर द वॉल्स, ठीक है, उसके बाद आगे बता दो देयर पीक्ड रूफ्स वर थैस्ड, देयर पीक्ड रूफ्स मतलब वर थैस्ड, तो बता दो कि अब मतलब कि उनके ऊपर की चोटी पर जो है, चोटी पर, चोटी मतलब क्या, ऊपर छत छप्पर थे, तो बता दो कि देयर वेयर सेड्स, थैस्ड मतलब सेड, एस एच ई डी, सेड माने छप्पर या वो सारा, देयर वेयर सेड्स, ठीक है, अपान द अपान देयर रूफ्स, अपान देयर रूफ्स उनके छतों पर जो थे क्या थे, वो सारे थे छप्पर थे, देयर वेयर सेड्स अपान द रूफ्स। अब देखिए बंडल्स ऑफ ग्रास के ऊपर फिर सेंटेंस बनाओ, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, ठीक है, तो बंडल्स ऑफ ग्रास मतलब बहुत सी घासें, ठीक है, तो एलाट ऑफ ग्रासेज, एलाट ऑफ ग्रासेज कर दो, ढेर सारी घासें, एलाट ऑफ ग्रासेज या ग्रास ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एलाट ऑफ ग्रासेज या एलाट ऑफ ग्रास, टाइड टू बम्बू पोल्स, टाइड मतलब होता है फासेंड, एफ ए एस टी ई एन ई डी, फासेंड माने होता बांधना, बंधी होना, एफ ए एस टी ई एन ई डी, टी साइलेंट, फासेंड टू बम्बू पोल्स। तो स्टेज्ड अक्रॉस द राफ्टर्स के ऊपर आप सेंटेंस लिखेंगे
दे वेयर, ठीक है, स्ट्रेच मतलब स्प्रेड, दे वर स्प्रेड, वे फैली हुई थी अक्रॉस द राफ्टर्स, मतलब ऑल ओवर द बीम्स, ऑल ओवर द बीम्स, राफ्टर्स मतलब होता बीम्स। दैट डे द पम्पकिन वाइंस दैट ग्रो, दैट डे द पम्पकिन वाइंस दैट ग्रो ओवर देम, तो मतलब बता दो कि पम्पकिन वाइंस का मतलब होता है क्रीपर्स, CREPERS, क्रीपर्स माने भी होता है लता। तो द पम्पकिन वाइंस आल्सो ग्रीव ओवर देम, ओवर देम मतलब हाँ ओवर देम ही कहने दो, क्लियर, ओवर देम, या ओवर द सेट्स भी कह सकते हो, ओवर द वॉल्स कह दो, क्लियर। द पम्पकिन क्रीपर्स आल्सो ग्रीव ओवर द वॉल्स, वॉल्स एंड सेट्स भी कह सकते हो, वॉल्स एंड सेट्स दोनों कह दो, दीवार और छप्परों पर कद्दू की वेलें जो है बढ़ गई थी। वर इन ब्लूम मतलब दो कहता कि फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, फ्लावर्स वेल वर ब्लूमिंग ऑन देम, उनमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर द ब्रास, को बता दो कि ट्रेलिंग मतलब दे वेयर हैंगिंग, ठीक है, इन येलो लाइंस, वो पीली पंक्तियों में क्या थे, लटके हुए थे। ट्रेलिंग मतलब हैंगिंग हो जाएगा, येलो मतलब येलो, स्ट्रीक्स ऑफ येलो मतलब येलो लाइंस। ओवर द ड्राइव वॉल्स मतलब कह दो कि ओवर द रफ ब्राउन कलर वॉल्स, ओवर द रफ ब्राउन कलर वॉल्स मतलब भद्दे भूरे रंग की दीवारों पर, ठीक है। तो ऐसे बता दो कि दे वेयर हैंगिंग इन येलो लाइंस ओवर द रफ ब्राउन कलर वॉल्स, क्लियर। इस तरह से इसका एक्सप्लेन हो गया। अब अगले दिन जो है, कल जो है, हम इसके बाद का एक्सप्लेन जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।